देख लिए जो कि बहुत शानदार लगी होगी आपको। और अभी हम जाने वाले हैं सेकंड लोकेशन पर। सेकंड लोकेशन है टेकरी धाम मंदिर गुना, जो कि बहुत स्वर्ग के समान मंदिर है। आप सभी देखकर हैरान हो जाएंगे, इतना मतलब प्रेम मंदिर के समान दिखता है, बिल्कुल संगमरमर से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स सेकंड लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखना मत भूलिए भाई दादा, चलते हैं उधर। देख लो पहले टेकरी हो गया, फिर देखना थर्ड लोकेशन। तीसरी लोकेशन का नाम है केदारनाथ धाम मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग भी है, वो बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ऊंचाई पर है, जो कि बहुत पहले बना हुआ था। मैंने सुना था कि वहाँ पर पहले दूध की धारा बहती थी, परंतु कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण अभी वहाँ पर पानी की धारा बहती है। आपको पानी की धारा देखने को भी मिली, बहुत शानदार झरना है, जो कि बहुत मनमोहक वातावरण है वहाँ का। वहाँ पर पेड़ देख देख कर आप हैरान हो जाओगे, इतने शानदार पेड़ हैं कि क्या ही बताऊं। अभी
चौथी लोकेशन पर। तो चौथी लोकेशन का नाम है बजरंगगढ़, जो कि बहुत प्रसिद्ध फोर्ट है। वहाँ पर एक पार्क भी है जो आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार किला है, गुना जिले का बहुत प्रसिद्ध फोर्ट है। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं फोर्ट पर और आपको दिखाते हैं पूरा फोर्ट। बजरंगगढ़ का किला कहानी नई हकीकत राज है और यह अभी की नहीं बरसों पुरानी आवाज है। फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए एंड तक, देखिए ब्लॉग को। तो चार लोकेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो इस ब्लॉग को हम अनावश्यक कारण यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले ब्लॉग को देखना मत भूलिए, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत मेहनत लगी है। जल्दी से चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा यदि आप ब्लॉग पर ऐसे ही बने रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को बिना देरी के एंड करते हैं।